हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर गुरु जी की नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए एक नई वैकेंसी लेके आए हैं जो कि जारी की गई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो इस वैकेंसी के बारे में सब कुछ बात कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ऐसी वैकेंसी से हमेशा अपडेट रहने के लिए ये जो वेबसाइट है इसको आप हमेशा रोज दिन में एक से दो दो से तीन बार खोल के देखा कीजिए, क्योंकि हमेशा ये वेबसाइट अपडेट होती रहती है और नई नई वैकेंसी इसमें आती रहती हैं। इस वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस वेबसाइट का नाम है सरकारीजॉबफाइंड.com। इसे आप गूगल में सर्च करना चाहें तो आप गूगल कर सकते हैं और इसे सर्च कर सकते हैं। गूगल में टाइप कीजिए SARKARIJOBFIND.com। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे ये वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे ही आपको दिख जाती है। तो इस वेबसाइट में अदर रिक्रूटमेंट जॉब के सेक्शन में यहाँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर के जो ऑनलाइन फॉर्म है इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो ये वेबसाइट की सारी जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो वैकेंसी है इसके बारे में हम आपसे बता देते हैं। देखिए, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो वैकेंसी जारी की गई है वो क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसी है। क्रेडिट ऑफिसर एक जो ऑफिसर होते हैं जो काफ़ी टॉप लेवल के होते हैं, जो कि बैंक मैनेजर जो होता है उससे भी अपर लेवल के जो ऑफिसर होते हैं उनको क्रेडिट ऑफिसर बोला जाता है। अगर डेट्स की बात की जाए वैकेंसी की, जो 4 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, लास्ट डेट इसकी 21 अक्टूबर रखी गई है। एडमिट कार्ड 2nd वीक ऑफ नवंबर में आएगा। एग्जाम डेट जो है इसकी नवंबर में होनी है इसकी। तो यहाँ पे अप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। अप्लीकेशन फ़ी जो है यहाँ पे जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपये रखी गई है और SC ST PH कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपको 100 रुपये रखी गई है। इसे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग या ई चालान के माध्यम से भर सकते हैं। एज लिमिट आपको 4/10/2017 को आपकी एज लिमिट 23 से 32 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो आपको मिल जाएगा जैसे आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो पास्ट बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 60% मार्क्स एंड 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन एनी कमर्शियल बैंक। मतलब कि आपको एक ग्रेजुएशन पास होने चाहिए 60% नंबर के साथ मिनिमम, और 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी कमर्शियल बैंक में काम करने का। 2 साल का जो है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी कमर्शियल बैंक, जैसे कोई भी बैंक जो होती है उसमें काम करने का। नंबर ऑफ पोस्ट जो है 200 है। जनरल के लिए 62, ओबीसी के लिए 65, ST के लिए 49 और ST के लिए 24 पोस्ट रखी गई हैं। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। डाउनलोड नोटिफिकेशन आप यहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। सब कुछ नोटिफिकेशन मैंने पहले ही नोटिफिकेशन सब पढ़ लिया है इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ। मैं एक बार आपको डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन के बारे में। और ऑफिशियल वेबसाइट ये है, आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के इसके जा सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन है, इसे आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन इसको मैंने पढ़ा है और जो जो चीज़ें हमें जो महत्वपूर्ण लगी और वो आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी और यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, इसमें आपको साथ ग्रेजुएशन के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, और आपकी एज 23 से 32 साल की होनी चाहिए 4/10/2017 को, और यही चीज़ है। तो क्रेडिट ऑफिसर के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं यदि आपकी इतनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यही था इस वीडियो में। इस वैकेंसीज के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ के आप आके पढ़ भी सकते हैं सब कुछ और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो यही था इस वैकेंसी में। मिलते हैं अगली किसी वैकेंसी के साथ आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।